का भारतवर्ष में पहला ऐसा गांव है। आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे, ये करेंगे, इस आर्ट के लिए पूरा दुनिया में विख्यात है। माता जी भी, उनको भी स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। हम लोग पूरा परिवार इसी काम से जुड़े हुए हैं। आपको तो पता ही है, इंडिया इज द लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो आज हम बात करेंगे बिहार के एक छोटे से जिले की, जिसका नाम है मधुबनी। मधुबनी जिले की ही एक आर्ट है जिसका नाम है मधुबनी आर्ट, और मधुबनी का मीनिंग होता है शहद का जंगल। बिहार की ये फेमस पेंटिंग मधुबनी वर्ल्ड वाइड फेमस है, और इसको ज्यादातर लेडीज करती थी अपने घरों के दरवाजों को और दीवारों को सजाने के लिए। लेकिन आजकल ये पेंटिंग हैंडमेड पेपर पे, कैनवस पे और कपड़ों पे भी की जाती है। मनीष कुमार झा, मधुबनी बिहार से हूँ, और ये हमारा ट्रेडिशनल मधुबनी फोक आर्ट है। ये कलर सब जितना होता है हम लोग नेचुरल कलर से बनाते हैं। जहाँ पर 3 पद्म श्री, 10 नेशनल अवार्ड, 40 स्टेट अवार्ड इस गांव में है, और पूरा भारतवर्ष में पहला ऐसा गांव है। आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे, ये करेंगे, इस आर्ट के लिए पूरा दुनिया में विख्यात है। हमारे माता जी भी, उनको भी स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। हम लोग पूरा परिवार इसी काम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसके लिए कौन सा पेन यूज़ करते हैं? ये होल्डर वाला नीब होता है, उसको यूज करते हैं, और कलर जो है नेचुरल कलर बनाते हैं उसको करते हैं, और कलर डुबा डुबा करके हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, और पेपर? हैंडमेड पेपर होता है। हैंडमेड पेपर। हाँ 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 हाँ। आप एक बना के दिखाइए। मनीष भाई, आपने सीखा था या आ गया? सीखे थे, हमारी मम्मी जो है उनसे ही हम लोग सीखे हैं। मम्मी से ही हम, और हमारी दीदी भी है। अच्छा, वो भी बनाती है? वो भी बनाती हैं। मम्मी को स्टेट अवार्ड से सम्मान किया गया है। बिहार का ट्रेडिशनल मधुबनी फोक आर्ट है। बहुत और ये जो और कलर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? ये सब नेचुरल कलर से होता है, वेजिटेबल डाई से होता है। अच्छा, ये एक एक पेंटिंग कितने की बिक जाती है? ये 500, 700, 800 डिफरेंट जैसा काम होता है। हाँ। इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ हाँ। अच्छा, फ्रेमिंग भी करके देते हैं ना? फ्रेमिंग भी करके देते हैं हम लोग। अच्छा मनीष भाई, अगर आपकी ये पेंटिंग किसी को पसंद आ रही है तो आप कोरियर भी कर देते हैं? बिल्कुल कर देते हैं। व्हाट्सएप पे आपसे डिजाइन मंगा सकते हैं और आप फिर उसे कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कोई वेबसाइट भी है? वेबसाइट नहीं है मैम। अच्छा, वेबसाइट नहीं है, बस व्हाट्सएप पे ही है? व्हाट्सएप पे ही है मैम। इस पेंटिंग को टहनियों, उंगली, ब्रश, माचिस और निब वाले पेन की मदद से बनाया जाता है। औसतन 90% घरों में महिलाएं इस कला को करती हैं, और आज इस कला को गांव के हर दूसरे घर में किया जाता है, और यही उनकी रोजी का जरिया है। मैन इसका खासियत क्या होता है, ये हम लोग कोई चीज़ को देख करके नहीं बनाते हैं, सीधा जो हम लोग का दिमाग में आता है बस वो चीज़ जो है इसको बनाते हैं। किसी चीज़ को देखते हैं ना, फ्री हैंड वर्क बनाते हैं, कोई स्केल नहीं, कोई पटरी नहीं, और कोई ये नहीं। अच्छा, जो दिमाग में आ रहा है? हाँ, बस वही चीज़ सोचते हैं, सोच करके सोचते हैं कि क्या हमें बनाना है, बस वही बना डालते हैं। ये नहीं है हम लोग, मुझे लग रहा है ज्यादातर मछलियां ही बनती हैं। मछली है, ट्री ऑफ लाइफ है, राम सीता है, ट्रेडिशनल भी बनाते हैं, राधा कृष्णा है, ये सब जो हम लोग बनाते हैं। अच्छा, मधुबनी में पूरा ये ध्यान रखा जाता है कि पूरा भरा जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी भी यहाँ पेंटिंग लग रही है वो सारी भरी हुई है। भरी हुई है। मनीष भाई, से दोनों तरह से लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ। क्या आप ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए? ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये कितने की होगी? ये 700 का है। फ्रेम के बाद ना? बिना फ्रेम के। और फ्रेम के जब हो जाएगा तो ये 300 रुपये फ्रेमिंग का बढ़ जाता है। अच्छा, 300 रुपये फ्रेमिंग के बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये एक बनाने में आपको कितना दिन लगता है? ये कम से कम 4-5 दिन का टाइम लगता है, जितना बारीकी बनाएंगे उस हिसाब से बनता है। अगर आप भी अपने घरों की बेजान दीवारों में जिंदगी का रंग बिखेरना चाहते हैं, तो इन रंगीन मधुबनी पेंटिंग को दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर मंगवा सकते हैं। ये मास्क में भी किया हुआ है? मास्क में भी किया हुआ है।
ये कितने का है? ये 100 का है। 100 रुपीस का है, दोनों तरफ है। मनीष भाई इसका क्या होगा प्राइस? ये 450 का। 450। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको घूमने फिरने, खाने पीने और इंडियन हैंडीक्राफ्ट का शौक है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर, गुड बाय।